दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्टेकर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री डाउनलोड मैनेजर के एक फीचर के बारे में। तो दोस्तों जिन भाइयों को नहीं पता कि ये फ्री डाउनलोड मैनेजर क्या है, तो आप मेरी ये वाली पिछली वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो दो तीन लाइनों में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आपकी जो इंटरनेट डाउनलोडिंग स्पीड है काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, और आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी मूवी वगैरह को रोक रोक के डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसका मेन मेन मतलब है, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। बाकी तो काफ़ी सारे फंक्शन इसमें अवेलेबल हैं, वो आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको फ्री डाउनलोड मैनेजर के एक फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्री डाउनलोड मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की एक कोने में बटन दिख रहा होगा नीचे यहाँ पर। तो दोस्तों ये है हमारा स्नेल मोड, इस पर स्नेल बना हुआ है। तो जिन भाइयों को ये बटन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपने पुराना वर्जन डाला हुआ है, या फिर आपके कंप्यूटर में जो वर्जन है वो पुराना हो चुका है। तो इसका वर्जन मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको यहाँ जाना है, चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करना है। आपका अगर पुराना वर्जन होगा तो वो नया हो जाएगा, तो फिर आपके जो सिस्टम में ये वाला बटन आ जाएगा। अब दोस्तों यही इसका मेन काम क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपना इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए यूट्यूब चला रहे हैं एग्जांपल के लिए, और आप चाहते हैं कि आपका यूट्यूब चलाते चलाते साथ में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, वो साथ में डाउनलोड भी हो जाए, ठीक है। तो उसमें दोस्तों होता क्या है, जो आपका सिस्टम है वो डाउनलोडिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगता है, और वहाँ पर आपका इंटरनेट जो है ज़्यादा यूज़ होने लगता है, ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो जल्दी से जल्दी डाउनलोड हो सके। और इस वजह से दोस्तों क्या होता है, जो आपका YouTube, मान लीजिए YouTube चला रहे हैं, तो उधर आपका जो इंटरनेट है वो कम जाने लगता है। आसान भाषा में समझाऊं तो वहाँ पे जो आपका इंटरनेट है वो स्लो हो सकता है, एक तरह से हो सकता है, नहीं हो ही जाता है, चाहे आपके पास में लेटेस्ट 4G कनेक्शन हो या कोई सा भी हो, वहाँ पे आपको थोड़ा इंटरनेट जो है मतलब थोड़ा आपको स्लो लगने लगता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए दोस्तों यहाँ पे स्नेल मोड दिया गया है फ्री डाउनलोड मैनेजर के अंदर। तो दोस्तों ये जो फीचर है इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये आपकी मदद कर सकता है। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने क्रोम खोला, और दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे मैं रैंडम कोई भी वीडियो देखने लगा, और साथ साथ में दोस्तों मान लीजिए मैं बैकग्राउंड में कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ, तो दोस्तों उससे क्या होगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों उससे क्या होगा, जो मेरा यूट्यूब है वहाँ पर मेरे को नेट कम लगने लगे, वहाँ पर जो बैंडविड्थ है वो कम हो जाएगी, और जो डाउनलोडिंग है क्योंकि उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिल रही है। और दोस्तों क्योंकि YouTube में नेट मेरे को कम देखने को मिलेगा, इस वजह से क्योंकि जो डाउनलोडिंग है वहाँ पे बैंडविड्थ ज़्यादा होने लगेगी। तो दोस्तों उसी प्रॉब्लम से आप यहाँ पे बच सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस फ्री डाउनलोड मैनेजर को आपको ओपन करना है, और यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है ना, इस पर स्नेल बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ जो बैकग्राउंड में एक वाटरमार्क आ गया है, थंबनेल आ गया है इसका स्नेल का। अब दोस्तों आप कुछ भी डाउनलोड करेंगे ना, तो वो धीरे धीरे डाउनलोड होगा, काफ़ी धीरे धीरे डाउनलोड होगा, लेकिन उसकी बैंडविड्थ चेंज नहीं होगी। अब बैंडविड्थ क्या होती है दोस्तों, आप जो सीधी सीधी भाषा में नेट की स्पीड कह सकते हैं, हालांकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन इसको आप सीधी सीधी भाषा में नेट की स्पीड कह सकते हैं आम भाषा में। तो उससे क्या होगा दोस्तों, डाउनलोडिंग की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और आपको इंटरनेट में आप सर्फिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, आपका जो नेट है वो आराम से चलता रहेगा, और आपकी डाउनलोडिंग जो है वो भले ही धीरे हो जाएगी, लेकिन अब दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, तो आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं। वैसे मैं इसका यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं दो दो काम एक साथ करता ही नहीं हूँ, मेरे को यूट्यूब के साथ साथ या फिर कोई भी दूसरी वेबसाइट वगैरह चलाने के साथ साथ डाउनलोडिंग मैं करता ही नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि इतना हैवी काम मेरा नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको चला सकते हैं, बस इतनी सी बात थी दोस्तों, आप इसको यूज़ करके देखिए, हो सकता है आपको यहाँ से कुछ जानने को मिला हो। तो अगर आपको यहाँ से कुछ जानने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, और इसी तरह से अपना सपोर्ट यहाँ पे बनाते रहिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।